कराइए और आप ये बैक का रिक्लाइन करने का और दोनों ही। हाँ वो लंबर सपोर्ट वाला ना, ये वाला भी। हाँ हाँ लंबर सपोर्ट वाला छोटा वाला आता है जो ये ऊपर जा रहा है नीचे भी हो जाएगा। लेकिन और सिस्टम इतना क्लियर और लाउड इतना अच्छा होता है ना भाई। कितने कितने लाख के सिस्टम लगाया आपने भैया? अभी तक लास्ट जो मैंने लगाया वो 7 लाख रुपए का। 7 लाख और जो इसमें फेंडर है ये भी फाइबर के हमने खुद बनाए, मैंने खुद मॉडिफाई किए। ये जो इसका हार्ड टॉप है ये भी हमने मेटल का हार्ड टॉप कंप्लीट अपने पास से ही खुद ही बनाया है। हाँ। ये सॉफ्ट टॉप वाली गाड़ी थी तो ये मेटल का हार्ड टॉप हमने बनाया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने ये सीट डलवाई थी मायापुरी से क्रेटा की, बट मुझे इसमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, तो मैंने ये दोबारा चेंज करा लिया है और जिप्सी में लगवाई है इलेक्ट्रॉनिक सीट। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फाइनली मैंने ये इंस्टॉल कराई है इलेक्ट्रॉनिक सीट, हीटेड भी है ये। और ये दे भाई करना, ये पीछे जा रही है, आगे आप कराइए आप ये बैक का रिक्लाइन करने का। और दोनों ही मतलब वो है, दोनों ही सीट वेंटिलेटेड है और इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, और इसके ऊपर सीट कवर है ब्लैक कलर के। इसकी कुशनिंग देख सकते हो आप, बहुत सॉफ्ट कुशनिंग है। बैक सीटेड देख सकते हो इसमें, और इसके साथ साथ हमने एक ऑडियो सिस्टम भी अपग्रेड किया है। ये पॉइनर का है और इसके साथ दो स्पीकर हैं अंदर की तरफ। सबको पता है जिप्सी के स्पीकर यहीं पे लगते हैं, और एक एम्प है, दो चैनल का ना भाई? जी, टू चैनल। अजय भाई क्या क्या लगाया आपने, वायरिंग वगैरह बताओ सही, इसमें क्या क्या लगाया आपने और सिस्टम में क्या क्या लगाया आपने? भाई एम्प लगाया, दो स्पीकर लगाया और वायरिंग डाली हमने। तो सिस्टम अच्छा बन गया ना, क्योंकि बेसिक बनाना है कि चोरी वोरी हो जाएगी। हमने ओपन रखनी है ना जिप्सी, अभी तो तिरपाल लगाया हुआ है, कहीं प्लान कर रहे हैं स्नो ड्राइव का, तो इसीलिए ओपन फिर चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना। तो अपने दो स्पीकर, एक स्टीरियो, सबसे अच्छी लगी है मुझे ये वाले सीट्स, अल्ट्रा कम्फर्ट है। और ये सब काम जो मैंने कराया है घिटोनी में, हमारे भाई है रियान कस्टम गैराज, जो कि ऑडियो का सिस्टम सबसे बेस्ट करते हैं। आपको किसी को कोई काम कराना हो तो आप यहाँ पता कर सकते हो, मैं भाई से मिलवा देता हूँ। भाई जी अपना बताइए। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए कहाँ पे आपकी शॉप है? भैया हमारी जो वर्कशॉप है वो है घिटोरनी में, रायंस कस्टम गैराज के नाम से, 2 नंबर रोड पे, सिल्वर ओक लेनी। और क्या क्या काम करते हो भैया? हमारा गाड़ियों से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा काम है, मॉडिफिकेशन, डैम्पिंग, कार ऑडियो हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, सीट्स हो गया, इंटीरियर हो गया, पेंट जॉब हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो गाड़ी से रिलेटेड जो भी हम लोग सारा करते हैं। बल्कि भाई का मैंने ऑडियो सिस्टम लगाया, भाई का थार में भी देखा था मैंने, ये थार है, इसकी सीटेड भी है, सुपर की सीट है, सारी मॉडिफाई भाई ने की है, एक एक चीज मॉडिफाई की है इसकी। तो आपको अगर किसी को कराना हो तो भाई के पास आ सकते हो, भाई अपना नंबर दे देंगे, मैं आपको इसमें डाल दूंगा। आपको मैं जो ना ऑडियो सिस्टम चलाता हूँ, भाई सुनाना एक बार इसका ऑडियो सिस्टम। तो भाई इसके अंदर ना कोई बूफर है ना कोई बेस ट्यूब है, सिर्फ दो स्पीकर है अच्छे वाले, एक एम्प है और एक स्टीरियो है, ठीक है। बाकी सबसे अच्छी जो मुझे लगी ये सीट्स लगी, लॉन्ग ड्राइव पे मैं इसे कहीं भी ले सकता हूँ, तो मैं इसके ऊपर बैठ के देख रही बड़ी कंफर्टेबल थी। भाई बैठना सीट्स पे, बैठना एक बार, कैसी है? काफ़ी अल्ट्रा कम्फर्ट वाला फील है पूरा। हाँ। इलेक्ट्रिक है पूरा, ऊपर नीचे कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो आपको इसको, ये देखो रिक्लाइन कर लो, ऊपर कर लो, हीटेड करनी हीटेड कर लो। बाकी इसका ना एक स्विच भी दिया हुआ है भाई ने यहाँ पे, इसको आप ऑन कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। तो क्योंकि मुझे ये वाली सीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कंफर्ट नहीं था, कहीं जा रहे थे स्लिप हो रहे थे, मैंने ये रिमूव ही करा दिया। फिर
बट जो अब डली है इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है कि मैं बता ही नहीं सकता कितनी कंफर्टेबल है। मेरे पास होंडा सिटी है, होंडा सिटी में भी इतना कंफर्ट नहीं है जितना मुझे इसमें कंफर्ट दिख रहा है। अब कमर पे कमर लाके बैठो, अभी देखना। हाँ वो लंबर सपोर्ट वाला ना, ये वाला भी। हाँ हाँ लंबर सपोर्ट वाला, छोटा वाला आता है जो ये ऊपर जा रहा है, नीचे भी हो जाएगा, सारे फंक्शंस चला दिए इसके ना। यही तो चीज चाहिए। ये कमर के जब भाई साहब कितनी लंबी ले जाओ इसे अब। हाँ भाई बहुत कंफर्ट है भाई, बहुत। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैंने पहली बार ड्राइव की भाई जीप। मतलब एक सपना ही होता है हर टीनेजर का कि भाई कभी हम भी बब्बू मान बने हैं। बब्बू मान वाला गाना नहीं है, बाल बाल बढ़ा रहा हूँ तेरे कोले लैंड क्रूजर साढ़े को, इसी से शौक पूरा करेंगे भाई। हाँ करेंगे इसे पूरा, बहुत बहुत ज्यादा। आज मैंने फर्स्ट टाइम 4x4 ट्राई किया तो नेक्स्ट लेवल फील आता है। जो लोग थार स्कॉर्पियो के पीछे भगते हैं ना भाई, वो वेस्ट ऑफ मनी है। मैं तो ये कहूँगा कि जो बंदा 10 लाख से ऊपर सोच रहा है वो ऐसी एक बढ़िया जीप ले, 3-4-5 लाख में पूरा सौ कर, पूरा ना, और चीज भी है, किंग है। ऑफ रोडिंग कर लो, स्नो ड्राइव कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी भाई। मुझे आज बहुत बहुत ज्यादा मजा आया इसे चला के, तो लेनी चाहिए लोगों को भाई। दादा ले पोता भरते हो वाली चीज है भाई। तो भाई बहुत अच्छी बनाई है भाई ने, मजा आ गया। मैं सोच रहा था कैसी होगी सीट, बट मजा आ गया। इन सीट में बिल्कुल मजा नहीं था, बट इसमें मजा आ गया। ये सॉफ्ट टॉप था जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने खरीदा था। सलमान भाई आप अपना नंबर बता दो एक बार। हाँ जी भैया, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 8700791978। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो अकाउंट है वो है रैंस कस्टम गैराज नाम से। तो सर भाई का नंबर रियान कस्टम गैराज के नाम से इंस्टाग्राम पे, आप उन पे काम देख सकते हो भाई का। जो लोग करोलबाग में काम कराते हैं कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, बट इसकी पूरी गारंटी वारंटी मिलेगी। और सिस्टम इतना क्लियर और लाउड इतना अच्छा होता है ना भाई। कितने कितने लाख के सिस्टम लगाया आपने भैया? अभी तक लास्ट जो मैंने लगाया है वो 7 लाख रुपए। 7 लाख? और स्टार्टिंग रेंज कहाँ से है? स्टार्टिंग रेंज हमारे पास 5000 से भी। 5000 से जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी मिलेगी आपको ना। न्यू यूज हर तरीके का प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाँ न्यू भी चाहिए, अगर किसी का बजट नहीं है, यूज चाहिए तो यूज चैनल सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और भाई काम भाई का एक नंबर, आप खुद देखो। ये कोई कह सकता है भाई ने मॉडिफाई किया? देखना कोई ऐसा लगता है कहाँ से मॉडिफाई करा, बिमरा वगैरह से है भाई ने। देखना इसके अंदर देखो ये चीज जो है, और जो ये फॉग लैंप लगाए भाई ने, ये बम्पर भाई ने लगाया है, ये खुद मॉडिफिकेशन किया इसके अंदर। ये ग्रिल हो गई, ये छोटी लाइट हो गई, स्नॉर्कल हो गया, रेंगलर, ये इसके फेंडर्स भी हमने खुद बनाए हैं। बताओ जो इसमें फेंडर्स हैं ये भी फाइबर के हमने खुद बनाए, भाई ने खुद मॉडिफाई किए। ये जो इसका हार्ड टॉप है ये भी हमने मेटल का हार्ड टॉप कंप्लीट अपने पास से ही खुद ही बनाया है। ये सॉफ्ट टॉप वाली गाड़ी थी तो ये मेटल का हार्ड टॉप हमने बनाया है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में बहुत ज्यादा काम हो रखा है, लिफ्ट किट डली हुई है, गाड़ी आपकी कंप्लीट इंटीरियर चेंज है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सीट है, इसमें भी ना इलेक्ट्रॉनिक सीट है जो मेरी लगी हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें सेंटर लॉकिंग है, पावर विंडो है, कंप्लीट इंटीरियर ब्लैक्ड आउट है, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं इसमें भी। ये इलेक्ट्रॉनिक सीट है, ठीक है, ये भी भाई ने डाली है। सामने पूरा वर्क ब्लैक किया है, कार्बन डिप का भी काम है, स्टेयरिंग का, ऑडियो सिस्टम का, ऊपर वेलवेट टच दे रखा है पूरा। पीछे की सीट्स देखो, और साइड में कस्टम मेड ये वाले कप होल्ड वाले, और पीछे कैप्टन सीट्स हैं इनोवा। और क्या लोगे? तो भाई ये थी, फाइनली हमने अपना काम करा लिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको फिर एक बार एड्रेस दे देता हूँ। ये इंस्टाग्राम पे भी है, रियान कस्टम गैराज, सिल्वर ओक्स रोड, घिटोड़नी। और बाकी भाई का नंबर दे दिया तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कोई नहीं करता।